that is a magnificent century from Sachin Tendulkar. On 19th April 2002, सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड इवन किया विद डॉन ब्रैडमैन फॉर स्कोरिंग 29 सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। इसे और ग्रैंड बनाने के लिए फॉर्मूला F1 रेसिंग लेजेंड माइकल शूमाकर ने एक फरारी गिफ्ट करी सचिन तेंदुलकर को। अब क्योंकि ये फरारी इंडिया के बाहर से आनी थी, इसीलिए इस पे कस्टम ड्यूटी लगनी थी एंड अमाउंट था लगभग 1.2 करोड़। अब अगर सचिन को ये कार इंपोर्ट करानी है इंडिया में तो उसे ड्यूटी पे करनी पड़ती। बट वहीं प्रमोद महाजन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सामने आए और उन्होंने ऑफर किया कि वो ये ड्यूटी वेव ऑफ कर देंगे सिर्फ सचिन के केस में। पर सचिन के डाई हार्ड फैंस को ये अच्छे से पता था कि सचिन को कोई ड्यूटी एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। तो पब्लिक ये स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि सचिन को कोई ड्यूटी एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं है और वो अपना टैक्स पे करेगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा एज अ टैक्स पेयर। बट ये गाड़ी का किस्सा एक बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गया जब ये पता चला कि एक्चुअली सचिन ने ही रिक्वेस्ट किया था जसवंत सिंह को, जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, एंड प्रमोद महाजन को कि उनकी ड्यूटी वेव ऑफ कर दी जाए। सचिन की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये थी कि 1985 में रवि शास्त्री को भी एक ऑडी मिली थी ऑस्ट्रेलिया में, जब उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब मिला था। And the man who won the Audi car was Ravi Shastri for his all-round performances in this world championship. तो ऐसे ही सचिन को फरारी मिली है एंड उस टाइम रवि शास्त्री की ऑडी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, तो इसीलिए सचिन की फरारी को भी एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। पर असल बात ये थी कि रवि शास्त्री को जो ऑडी मिली थी वो उन्हें एज एन अवार्ड मिली थी। उस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हीं से उन्हें गाड़ी मिली थी, प्लस रवि शास्त्री का ऑडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। पर वहीं सचिन के केस में उन्हें कार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से नहीं मिली थी एंड इवन ये गिफ्ट माइकल शूमाकर की तरफ से था भी नहीं। ये कार फिएट कंपनी ने सचिन को दी थी एंड माइकल शूमाकर ने सिर्फ उसे प्रेजेंट किया था उस F1 इवेंट में। और सबसे बड़ा चक्कर इसमें ये था कि सचिन तेंदुलकर उस टाइम फिएट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे एंड इसका उनके क्रिकेट अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों को ये समझ आ रहा था कि सचिन को जो ये कार मिली है ये कोई अवार्ड नहीं है उनके परफॉर्मेंस के लिए, ये उनकी ब्रांड कंपनी ही उन्हें दे रही है एंड इस पे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए कस्टम ड्यूटी का, बिकॉज ये उनके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स से नहीं मिली है। एंड पब्लिक में भी इस बात को लेके बड़ा आउटरेज हुआ था, बट अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया था और सिर्फ सचिन के केस में। इस एग्जेम्पशन के बाद मानो पब्लिक दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ लोग कह रहे थे कि सचिन ने इतना कुछ किया है कंट्री के लिए तो हमें उसे एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, इस कंट्री में ऑलरेडी बहुत करप्शन है तो अगर उसमें 1 करोड़ की आप कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट किसी को दे देते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बतेरे लोग थे जो कह रहे थे कि ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए बिकॉज इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, प्लस अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को बेनिफिट दोगे तो वो अनफेयर हो जाएगा बाकियों के पार्ट पे एंड सचिन को ऐसे बेनिफिट की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज उसके पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं कि वो इजीली पे कर सकता है। बट हमारी कंट्री में डाई हार्ड फैंस किस हद तक चले जाते हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा। जो लोग गवर्नमेंट की इस मूव को क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हें धमकियां आने लग गई इस बात पे। उनका बेसिक लॉजिक सिर्फ यही था कि भाई कस्टम ड्यूटी इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर भी लगती है, तो जब आपने इतनी बड़ी चीजों पे जो इतनी एसेंशियल है उन पे भी ड्यूटी लगा रखी है तो फिर एक कार पे एग्जेम्पशन देने का क्या मतलब बनता है। प्लस सचिन को इस एग्जेम्पशन की कोई जरूरत भी नहीं है, वो इजीली पे कर सकता है एंड ये क्लियरली शो हो रहा है कि फिएट कंपनी का वो ब्रांड एम्बेसडर है, इसी वजह से उसे ये कार मिल रही है। और ऐसे करते करते ये किस्सा पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट जहाँ पे पिटीशन फाइल करी गई थी। उस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि इवन फिएट कंपनी आगे आ गई कि हम कस्टम ड्यूटी पे कर देते हैं भाई। तो ये सारा किस्सा तो चल रहा था अपनी जगह पे, बट आपको हैरानी होगी ये जान के कि फिएट कंपनी ने एक्चुअली में कार दी क्यों थी। 2003 में फिएट कंपनी इंडिया में अपनी कार्स बेचती थी एंड सचिन उनका ब्रांड एम्बेसडर था, पर इंडिया में फिएट कंपनी को लेके परसेप्शन ये था कि उनके डब्बे जैसी गाड़ियां होती हैं, तो इसी वजह से लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे फिएट कंपनी की कार्स खरीदना एंड उनका मार्केट शेयर भी कम था। और वहीं दूसरी तरफ फरारी कंपनी की पेरेंट कंपनी थी फिएट, तो सचिन को फरारी गिफ्ट करके फिएट इंडिया को ये बताना चाहता था कि भाई हम ही वो कंपनी है जो फरारी भी बनाते हैं।
एंड इससे क्या होगा, लोगों की नजर में फिएट कंपनी की ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाएगी। एंड जो लोगों का माइंडसेट है कि फिएट सिर्फ डब्बे वाली गाड़ियां बनाती है, वो चेंज हो जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि यही कंपनी फरारी भी बनाती है। एंड जहां तक माइकल शूमाकर की बात है, तो वो भी एक ब्रांड एम्बेसडर थे फिएट कंपनी के, जैसे सचिन तेंदुलकर था। तो इसके पीछे मोटिव तो कुछ और ही था, बट जिस तरीके से वो पब्लिक में आया तो वो टोटली डिफरेंट हो गया। और फाइनली इन 2011 सचिन हैज सोल्ड द क्लासिक फरारी व्हीकल टू अ बिजनेसमैन बेस्ड देयर। अगर आपने फरारी की सवारी मूवी का नाम सुना हो, तो उसमें जो फरारी यूज हुई थी वो एक्चुअली सचिन की ही थी। तो ये एक कमाल का किस्सा था, जहाँ पे लोगों ने स्टैंड लिए बिना किसी एक्चुअल लॉजिक के, और इस बात पे एक दूसरे को मारने की भी धमकी दी। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि आज गवर्नमेंट किसी को ये स्पेशल बेनिफिट दे? बिकॉज उस टाइम पे तो सोशल मीडिया का भी कुछ सीन नहीं था, और आज तो बहुत ज्यादा है, तो सोचो क्या होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।